अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आपको सबसे बड़ी और बुरी ख़बर से आगाह करते चलें। तहरीक लब्बैक के चेयरमैन हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब की गाड़ी पर फायरिंग की गई। फायरिंग किसने की, किस तरीके से हुई, तफसील आपको वीडियो के अंदर भी मैं दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी के फ्रंट स्क्रीन के ऊपर जो है वो फायर के निशान नज़र आ रहे हैं। ये फायरिंग उनके ऊपर उस वक्त की गई कराची के अंदर ज़िमनी इंतहाबात में, जब हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब जो है वो पोलिंग स्टेशन विज़िट करने के लिए गए। वहाँ पे फायरिंग के नतीजे में अलामा साद हसैन रिज़वी की गाड़ी को फायर लगे। ये आप देख सकते हैं, तफसीलन मैं आपको आगे कुछ और वीडियोस भी जो हैं वो दिखाऊंगा। रिज़वी की गाड़ी के ऊपर जो हमला किया गया, जो फायरिंग की गई, वो पाक सरजमीन की जो पार्टी है उसकी तरफ से किया गया। अलामा साद रिज़वी की गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में कई कारकुन शदीद ज़ख्मी हुए। साद रिज़वी का जज्बा देखकर फायरिंग होने के बाद भी पोलिंग स्टेशन को विजिट करते दिखाई दिए। इसके नतीजे में काफ़ी तादाद ऐसे कारकुन थे जिनको फायर लगे और वो शदीद ज़ख्मी हैं, लेकिन ये फायरिंग जो बताई जा रही है वो पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से की गई है। जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अलामा साद रिज़वी साहब की गाड़ी के ऊपर जो है फ्रंट स्क्रीन के ऊपर भी फायर लगे हुए हैं। आगे कुछ और वीडियोज़ भी हैं, वो भी आप देखिए कि किस तरीके से उनको टारगेट किया गया, किस तरीके से उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। कहाँ है हॉस्पिटल? अमीर मोहतरम की जो गार्ड है उसको गोली लगी है, यहाँ पे गोली लगी है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कि हमारा और मुख्यता का भट्टा आप नहीं जाओ, मैंने धान लिया मैं कैसे नहीं जाऊँ। मैं अंदर गया SHO अपनी निगरानी में धान ली करवा रहा था, जब मैंने शोर शराबा करा तो SHO ने हमको दिखावा के लिए मारे। उसके बाद PSP के लड़कों ने हमें मारा, हमारे लड़के वहाँ पहुंचे, PSP के लड़कों ने फायरिंग की। उसके बाद मुस्तफा में जान बचा के बाज चुका था, लेकिन मुस्तफा कमाल ने मुझे पकड़ा। ये औकात है कि इतना बड़ा तू पार्टी का लीडर बोलता है, कारकुन के ऊपर हाथ उठाता है, तेरी इतनी औकात है? और मुझे घूसों से, लातों से, डंडों से सारे कारकुन मेरे पीछे, मुस्तफा कमाल सारे मेरे रिश्ता। मैं मुस्तफा कमाल के खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा, मैं डरता नहीं हूँ। मैं अपना का कारकुन लब्बैक, ये कहते हैं कि हम यहूदी है, तुम यहूदी नहीं हो, तुम मुसलमानों को ऐसे मारते हो। यार मेरी उम्र क्या है, मैं मुस्तफा कमाल के बच्चों के बराबर हूँ, उसने बेरहमी से मुझे मारा। इसको अपने गिरेबान में जानना चाहिए और अल्लाह के रसूल से माफी मांगनी चाहिए। खुदा इसको गलत करेगा इंशाल्लाह, ये मेरी बदुआ है। एक आम कारकुन को लीडर होकर मार रहा है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, तुम यहूदी है, तुम यहूदी नहीं हो, तुमको लब्बैक।